ऑस्ट्रेलिया ने भारत को मोहाली में खेले गए चौथे वनडे में 4 विकेट से करारी शिकस्त दी है। इस जीत के साथ ही ऑस्ट्रेलिया ने 5 मैचों की सीरीज में 2-2 की बराबरी कर ली है। मोहाली के पीसीए स्टेडियम में टीम इंडिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। शिखर धवन और रोहित शर्मा ने भारत को ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाई। रोहित ने 92 गेंदों में 7 चौके और 2 छक्कों की मदद से 95 रन की शानदार पारी खेली। दोनों बल्लेबाजों के बीच पहली विकेट के लिए 193 रनों की साझेदारी हुई, तो वहीं रोहित शर्मा 95 रन के स्कोर पर ही आउट हो गए। इसके बाद टीम इंडिया को दूसरा झटका शिखर धवन के रूप में लगा। 37वें ओवर में पैट कमिंस ने धवन को बोल्ड किया। गब्बर ने 115 गेंदों में 18 चौके और 3 छक्कों की मदद से 143 रन की धुआंधार पारी खेली। दूसरे विकेट के लिए धवन और केएल राहुल के बीच 61 रनों की साझेदारी हुई। टीम इंडिया का 14वां विकेट केएल राहुल के रूप में गिरा। राहुल ने 26 रन बनाए। साथ ही पिछले 2 वनडे मैचों के शतकवीर रहे टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली 4थे वनडे में कुछ खास कमाल नहीं कर पाए और 7 रन पर ही जय रिचर्डसन के शिकार बने। इसके बाद क्रीज पर उतरे ऋषभ पंत ने टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन 36 रन के स्कोर पर ही पैट कमिंस की गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में फिंच को अपना कैच थमा बैठे। इसके बाद केदार जाधव ने 10, विजय शंकर ने 26, भुवनेश्वर कुमार ने 1 और युजवेंद्र चहल बिना खाता खोले आउट हो गए। ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजों में पैट कमिंस ने सबसे ज्यादा 5 विकेट लिए। कमिंस ने 10 ओवर में 70 रन देकर 5 विकेट चटकाए। इसके अलावा जय रिचर्डसन ने 3 और एडम जंपा ने 1 विकेट हासिल किया। भारत ने निर्धारित 50 ओवर में 9 विकेट खोकर 359 रन बनाए। जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने 14 गेंद शेष रहते 6 विकेट खोकर ये लक्ष्य हासिल कर लिया। विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलियाई टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही और भारतीय टीम में वापसी करने वाले भुवनेश्वर कुमार ने पहले ओवर की 4थी गेंद पर कंगारू कप्तान एरन फिंच को क्लीन बोल्ड किया। फिंच बिना खाता खोले आउट हुए। इसके बाद ही जसप्रीत बुमराह ने शॉन मार्श को 6 रन पर बोल्ड करके टीम को दूसरा झटका दिया। इसके बाद उस्मान ख्वाजा और पीटर हैंडसकंप ने ऑस्ट्रेलियाई पारी को संभाला। दोनों ने 3रे विकेट के लिए 192 रनों की साझेदारी की और कंगारू टीम को मजबूत स्थिति दी। उस्मान ख्वाजा शतक से 9 रन पहले ही बुमराह के शिकार बने। ख्वाजा ने 99 गेंदों में 7 चौकों की मदद से 91 रन बनाए। वहीं दूसरे एंड पर बल्लेबाजी कर रहे पीटर हैंडसकंप ने अपने वनडे करियर का पहला शतक पूरा किया। हैंडसकंप का साथ निभाने आए ग्लेन मैक्सवेल लंबी पारी खेलने में सफल नहीं हुए और 23 रन पर चाइनामैन गेंदबाज कुलदीप यादव की गेंद पर LBW होकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद चहल ने हैंडसकंप को राहुल के हाथों कैच आउट कराया। हैंडसकंप ने 105 गेंदों में 8 चौके और 3 छक्कों की मदद से 117 रन बनाए। हैंडसकंप के बाद क्रीज पर उतरे अश्विन टर्नर ने मैच ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में टर्न किया। एलेक्स कैरी के साथ 6ठे विकेट के लिए टर्नर ने 86 रनों की साझेदारी करके टीम इंडिया के सामने मुश्किल खड़ी कर दी और टर्नर ने ऑस्ट्रेलिया के लिए मैच विजयी रन बनाकर सीरीज बराबर की। टीम इंडिया की तरफ से जसप्रीत बुमराह ने सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए, तो वहीं भुवनेश्वर कुमार, कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल को 1-1 सफलता मिली। इससे पहले टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। टीम इंडिया ने अपने प्लेइंग 11 में 4 बदलाव किए थे। अब सीरीज का 5वां और अंतिम मुकाबला देश की राजधानी दिल्ली में बुधवार को खेला जाएगा।